IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो बेटा, पहले इसको करने का लॉजिक समझो क्या है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नाम से आपको बता रहा है। सर ये इसलिए रिजर्व बनाया जाता है क्योंकि फर्म जो होती है हमारी, वो काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स करके चलती है और मार्केट के अंदर उस इन्वेस्टमेंट के अंदर फ्लक्चुएशन आती है। फ्लक्चुएशन का मतलब या तो उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और उसकी वैल्यू घट भी सकती है। लेकिन अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इनकेस घट गई तो कंपनी को क्या हो रहा है उस टाइम पे, फर्म को लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को बियर करने के लिए हम पहले से क्या प्रिपेयर करके चल रहे हैं, अपना एक रिजर्व मेंटेन करके चल रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि भैया आपने शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए लगा रखा था, आपको ये उम्मीद थी कि वो बढ़ जाएगा, लेकिन आपको ये पता था कि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। सडनली वो क्या हुआ कि 30,000 रुपए आपका लॉस हो गया। तो अगर आपने पहले से 30,000 रुपए का एक रिजर्व मेंटेन कर रखा होगा, अलग से आपके पास पड़े होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी आप पे नहीं है और लॉस हो गया तो फिर दिक्कत। तो सेम फर्म सोच के चलती है कि अगर इनकेस कभी लॉस होता है तो उसके लिए पहले से क्या बना के चलते हैं, वो अपना रिजर्व बना के चलते हैं। अब इसकी कंडीशन समझो किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन इसमें ऐसे आएगा बेटा, आपकी मान लो ये है बैलेंस शीट, यहाँ पे यहां पे होती है बच्चे आपके पास लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, और ये हो गया आपका अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। अब आपको यहां पे दे रखा है IFR और यहां पे आपको दे रखा है बेटा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या है सर, मेरी एक तरीके से असेट्स कहलाएगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है बेटा आपकी 2 लाख और IFR की वैल्यू है आपके पास 18,000। ठीक है, इसमें बेटा आपके पास पार्टनर्स हैं ABC लेते हैं हम, यहाँ पे 4:3:2 में। ठीक है, अब इसमें केसेस समझो क्या क्या केस आ सकते हैं। इसमें भी 5-6 केसेस बनते हैं हमारे। पहला केस समझते हैं, केस फर्स्ट, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन और इफ, ये केस सेकेंड हो गया, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। पहले ये समझो बेटा, इस क्वेश्चन में जो दी हुई है ना, ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये कहलाती है आपकी बुक वैल्यू। कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, बुक वैल्यू, जो आपकी किताबों में दिख रही है। मार्केट वैल्यू वो होती है जिसमें मार्केट में वो चीज सेल होगी आगे। अब वो कहता है 2 लाख थी और अभी भी कितनी है, 2 लाख ही है, तो क्या हमारी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आया सर, नहीं आया। तो दोनों ही कंडीशन में मेरी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आया, दैट मीन्स मेरा IFR यूज हुआ होगा सर, नहीं हुआ होगा। IFR का तो यूज ही नहीं हुआ ना कुछ भी, क्योंकि IFR का यूज कब होता, जब मेरी इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन आती। कोई फ्लक्चुएशन आई नहीं तो IFR का यूज नहीं हुआ। तो ये पूरा का पूरा IFR क्या होगा बेटा, पार्टनर्स के बीच में क्या कर देंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस तरीके से, IFR अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, अमाउंट कितना है बेटा हमारे पास 18,000, इनटू में रेशियो कितनी है 4:9, तो 2 18,000 4 2 8,000 3 2 6 2 2 4। तो IFR क्या हो गया बेटा हमारा, पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पहला केस क्लियर हो गया, पहला यानी दूसरा हो गया ये बेसिकली। अब अगला केस है बेटा हमारा,
इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। अब पहले मार्केट बुक वैल्यू कितनी थी बेटा 2 लाख, अब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई उसकी 1,91,000। दैट मींस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई आपकी 9,000 से। इन्वेस्टमेंट का नेचर क्या है सर, हमारी असेट्स है, और असेट्स जब कम होती है तो क्या होती है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट होती है। सीधा सीधा लॉजिक बन जाएगा, ध्यान से देखना एंट्री कैसे बनेगी। IFR अकाउंट डेबिटेड कितने से जी, 18,000 टू इन्वेस्टमेंट, जैसे वहां क्लेम लेते थे ना, या इन्वेस्टमेंट लो, कितने से वैल्यू कम हुई है बेटा यहाँ पे, यानी इस IFR में से मैंने 9,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को क्या कर दिया आप यहाँ पे, एडजस्ट कर दिया। अब बेटा 18 में से मैंने 9 को यूज कर लिया, बाकी कितने बचे मेरे पास 9,000, वो कहाँ पे बांट दो आप, पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं जी। चलो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। भैया 9,000 आधा कर दो आप यहां से, 4,000, 3,000, 2,000। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा सर, जब असेट्स की वैल्यू कम होती है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो वो क्या होगी सर, क्रेडिट होगी, और IFR से क्या कर दिया जाएगा, उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या कर देंगे हम, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, सेम WCR की तरह ही चलेंगे ये भी अभी। अब अगला केस क्या होगा जी इसके अंदर, ठीक है देखो बच्चे इधर, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000। अब ध्यान से सुनना ये वाला केस, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना इसको क्या हुआ इसमें। देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, केस नंबर थर्ड फोर्थ कुछ भी चलो, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000, कितनी हो गई सर हमारी यहाँ पे 2,18,000। अब बेटा ध्यान से सुनना मेरी वर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ, IFR जो है ठीक है वो कब यूज करेंगे, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब कम हो जाएगी तो उसको खत्म करने के लिए, या जो हमें लॉस हुआ है उसको कवर अप करने के लिए किसका यूज होगा सर, हमारा IFR का यूज होगा। अब अगर इस केस की बात करूं मैं, यहाँ पे IFR कितना हुआ है 2,18,000, पहले कितना था सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट 2,00,000, तो अब वैल्यू कम हुई है या बढ़ी है सर, बढ़ी है 18,000 से, तो क्या IFR का यूज यहाँ पे होगा, नहीं होगा सर। जब IFR का यूज नहीं होता तो वो पूरा का पूरा कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर, पार्टनर्स के बीच में। तो अब आप एंट्री क्या करोगे, पहले तो IFR को डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा, देखो कैसे, IFR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। अठारह हजार, 8,000, 6,000 और 4,000, ये तो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा मैंने यहाँ पे, IFR को कर दिया। लेकिन सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी भी तो है, मैंने अभी आपको रूल क्या बताया, असेट्स अगर बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं, क्रेडिट होती हैं, डेबिट होती हैं। तो सर इन्वेस्टमेंट जो है इसी की ये फर्स्ट एंट्री है बेटा इसकी, और इसी की ये सेकेंड एंट्री है। सर अगर असेट्स बढ़ती है तो क्या होती है, वो डेबिट होती है। दैट मीन सर अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ गई है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो गया यहाँ पे, डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से सर, 18,000 से, क्योंकि वैल्यू कितने से बढ़ी है हमारी, 18,000 से। अभी एक चीज और समझाई थी कि जब भी किसी असेट्स की वैल्यू के अंदर चेंज आता है, यानी वो बढ़ती है, तो उसका इम्पैक्ट कौन से अकाउंट पे पड़ता है, हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से सर, 18,000। अब सर रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है, इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करूंगा मैं, डेबिट करूंगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अठारह हजार टू
एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट 8,000, 6,000, 4,000। ठीक है, अब एक बार फटाफट से तीनों केस दोबारा देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन बेटा, हमारे पास ये है कि हमारा जो आई एफ आर है वो 18,000 का है। बेसिक बेसिक समझ लो दोबारा से, आई एफ आर सर 18,000 का है, इन्वेस्टमेंट जो है मेरी वो 2,00,000 रुपए की है। आई एफ आर हम बनाते इसलिए हैं कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर किसी कंडीशन में कम हो जाती है तो वो जो कम होने की वजह से हमें लॉस बियर करना पड़ता है, उस लॉस को हम कहाँ से कंपनसेट कर लेते हैं, अपने आई एफ आर से कंपनसेट कर लेते हैं। वर्डिंग सुनना लॉस को, ठीक है, यानी आई एफ आर का यूज तभी होगा सर जब वैल्यू कम होगी। क्लियर है जी। अब पहला केस ये था कि हमें इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है या मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की उतनी ही है जितनी उसकी बुक वैल्यू है। तो यानी कि शॉर्ट में कहने का मतलब है सर इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज, सर जब इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आया जिसका मतलब आई एफ आर का भी कोई यूज नहीं हुआ, तो वो पूरा का पूरा आई एफ आर, क्योंकि लायबिलिटी होता है राइट ऑफ करने के लिए डेबिट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया और ये क्या हो गया यहाँ पे राइट ऑफ हो गया पूरा पूरा। अब दूसरी कंडीशन सर ये आती है कि अगर मेरी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, और सर आपने एक्चुअल में बताया कि जब मार्केट वैल्यू कम होती है तभी किसका यूज होता है, आई एफ आर का यूज होता है। अब आई एफ आर कितना हुआ, 1,91,000, सॉरी मार्केट वैल्यू कितनी हुई 1,91,000 और मेरी बुक वैल्यू कितनी थी बेटा 2,00,000, कितने का लॉस हुआ मेरे को। अब यहां पे वर्डिंग सुनना, अगर आपका लॉस आपके आई एफ आर से कम है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन था 18,000 का, वैल्यू कितने से कम हुई 9,000 से, बाकी का जो 9,000 बचा वो मैंने कहां पे बांट दिया सर, पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद अगला केस सर, अब यहाँ पे वैल्यू कम नहीं हुई, यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई, तो सर जब वैल्यू बढ़ेगी तो आई एफ आर का तो यूज होना ही नहीं था, तो वो पूरा का पूरा आई एफ आर क्या कर दिया हमने, पहले राइट ऑफ कर दिया। 18,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। रिवैल्यूएशन में गया और रिवैल्यूएशन को क्या कर दिया हमने यहाँ पे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एक कंडीशन जो इसमें आएगी जो और ज्यादा दिमाग लगेगा उसमें, ध्यान से सुनना, आपसे पूछ रहा हूं मैं अभी, यहाँ पे देखेंगे बस आप अभी। इफ मार्केट वैल्यू, देखिए बेटा इधर, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई सर मेरी 1,73,000, सर मेरे पास बुक वैल्यू थी 2,00,000, मार्केट वैल्यू हो गई मेरे पास 1,73,000, मेरे को अब लॉस कितने का हुआ इन्वेस्टमेंट कम होने से, 27,000 का। लेकिन सर यहाँ ना एक प्रॉब्लम है कि 27,000 का लॉस हुआ है लेकिन मेरे पास आईएफआर कितने का है एक्चुअल के अंदर सर, 18,000 का है, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारी। इस प्रॉब्लम को देखो एक बिल्कुल सिंप्लीफाई एंट्री से समझाऊंगा, सिर्फ यहाँ पे 2 मिनट कंसंट्रेट कर लेना, ठीक है। आई एफ आर अकाउंट डेबिटेड कितना अमाउंट है बच्चे यहाँ पे 18,000, एंट्री समझो बन कैसे रही है, ये 18,000 है, इसको राइट ऑफ कर रहा हूं मैं। सर हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कितने से कम हुई है, 27,000 से, और इन्वेस्टमेंट सर असेट्स होती है, जब उसकी वैल्यू कम होती है तो इन्वेस्टमेंट को क्या करता हूँ मैं सर, क्रेडिट करता हूँ। तो बच्चे मैंने यहाँ पे क्या करा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से कर दिया इसको, 27,000 से, ठीक है। अब डिफरेंस कहां पे दिख रहा है आपको सर, डेबिट साइड में, क्यों, क्योंकि सर मेरी लायबिलिटी बढ़ गई अब एक तरीके से, क्योंकि आईएफआर मेरे पास 18,000 का था लेकिन मेरे को लॉस कितने का हो गया, 27,000 का, तो 9,000 रुपए मेरे को और बियर करने पड़ेंगे। तो जब और बियर करने पड़ेंगे तो वो कौन से अकाउंट से चार्ज होंगे सर, मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज होंगे सर, कितने का अमाउंट होगा सर वो, ठीक है। तो अब मेरे को रिवैल्यूएशन यहां डेबिट हो रहा है और ये हो गई एंट्री खत्म, ये एंट्री तो मैच कर गई हमारी। अब रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, डेबिट, इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करूंगा मैं, क्रेडिट, ठीक है। तो अब एंट्री क्या बनेगी मेरी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 9000 है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 9000 है तो 4000, 3000 और यहां पे कितना आ गया ये, ठीक है। तो अब दोबारा मैं बता रहा हूं, चार केस ही है बस इसमें भी। पहला केस, सर जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या सर हमारी इन्वेस्टमेंट उतनी ही है जितनी थी, तो उस केस में बेटा आईएफआर का यूज नहीं हुआ, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। दूसरा केस क्या है सर, मेरी मार्केट वैल्यू कम हुई, मेरे को लॉस हुआ, लेकिन लॉस उतना हुआ जितना मेरे पास आईएफआर था, तो मैं क्या करूंगा, जितना लॉस हुआ उसे आईएफआर से डिडक्ट कर दो, बाकी का बचा हुआ आईएफआर क्या कर दो बेटा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तीसरी कंडीशन क्या आएगी सर, मेरी मार्केट वैल्यू कम होने की जगह क्या हो गई सर, अब बढ़ गई। तो सर जब मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो आईएफआर का कोई यूज नहीं होगा, वो पूरा का पूरा आईएफआर कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच में। और जो मार्केट वैल्यू बढ़ी है उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा सर, रिवैल्यूएशन पे, ठीक है। और रिवैल्यूएशन कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर पार्टनर्स के बीच में। चौथा केस आपका ये आ जाता है कि सर मार्केट वैल्यू कम तो हुई लेकिन इतनी कम हो गई कि मेरे आईएफआर की अमाउंट को भी क्रॉस कर गई, वो मेरे पास 18000 थे लेकिन लॉस कितने का हो गया सर, 27000 का। तो अब जो 9000 रुपए हैं वो कहां से चार्ज किए जाएंगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, और वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पार्टनर्स के बीच में, ठीक है।